हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम बना रहे हैं ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट। पिछले वीडियो के अंदर हमने इमेज अपडेट पेज को डिज़ाइन किया था। इस वीडियो में हम इस पेज के अंदर जो हमारी ओल्ड इमेज है उसको शो करवाएंगे और जो हमने फॉर्म बनाया था यहाँ से हम जो भी हम इमेज चाहें उसको अपडेट कराएंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं कि इसके अंदर इमेज और टाइटल शो करवा लेते हैं। पहले तो हम यहाँ पर आते हैं अपने कंट्रोलर पर। कंट्रोलर हमारा सेलर वाला है, seller.php, और इसके अंदर जो हमने एडिट का पेज लोड कराया है अपडेट लैपटॉप इमेज वाला, वहाँ पे जो हम अपडेट कर रहे हैं इमेज को उसका डाटा दिखाना है। तो ये रहा हमारा वो लैपटॉप की डिटेल। ठीक है, और यहाँ से कर देते हैं पेस्ट, और इसके बाद हम यहाँ से इसको पास कर देंगे। इसको लिख देते हैं लैपटॉप डिटेल्स, और लैपटॉप डिटेल्स में इस लैपटॉप की डिटेल चली जाएगी। ठीक है, लैपटॉप डिटेल्स में गई। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारा ये पेज है यहाँ पे हमारे को इमेज दिखानी है। तो सबसे पहले तो यहाँ मैं टाइटल दिखा देता हूँ। टाइटल में लिखते हैं लैपटॉप डिटेल्स। लैपटॉप डिटेल्स के अंदर ओपन करते हैं अपना डाटाबेस, और क्या नाम है टाइटल का वो देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमारा ये रीसेंट के अंदर हमारे पास है लैपटॉप का है, इसके अंदर लैपटॉप्स ये ब्रांड्स को ओपन कर लेते हैं। इसी के अंदर हमारे पास वो मिल जाएगा लैपटॉप का भी। तो इसके अंदर लैपटॉप कहाँ है, ये रहा लैपटॉप्स के अंदर हमें टाइटल दिखाना है। तो लैपटॉप टाइटल के नाम से लैपटॉप टाइटल, ठीक है। और इसके अंदर हमारे को आईडी दिखानी है लैपटॉप की, किस आईडी को हम अपडेट करा रहे हैं। तो यहाँ आ जाएगा लैपटॉप डिटेल, और लैपटॉप डिटेल के अंदर आ जाएगा लैपटॉप आईडी। ठीक है, ये हमारा टाइटल आ गया और ये हमारी आईडी आ गई। अब हम यहाँ पे इमेज भी दिखाना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो हमारी जो मेन इमेज रहेगी ये वाली, उसको दिखाते हैं। इसमें किसमें होगी इमेज, अपलोड्स का फोल्डर है उसके अंदर लैपटॉप इमेज के नाम से होगा। तो यहाँ आ जाते हैं हम एक बार नीचे कि फोल्डर हमारा किस नाम से है। लैपटॉप इमेज ये किसी फोल्डर के अंदर नहीं है, तो ये बाहर ही दिया हुआ है लैपटॉप इमेज, इसको कोई अंडरस्कोर नहीं है। तो लैपटॉप इमेज, ठीक है, ये फोल्डर का नाम है। फोल्डर के अंदर कौन सा वेरिएबल दिखाना है, इसके अंदर लैपटॉप डिटेल्स में img1, ठीक है, ये वाली इमेज दिखानी है हमें। कंट्रोल आर करते हैं एक बार, ये वाली इमेज नहीं है क्योंकि वहाँ पर जो हमारा कॉलम है img1 वाला, इसके अंदर कोई भी इमेज नहीं आ रही इस आईडी से, 23 नंबर के आईडी में। तो ये हमारे को ये वाली इमेज आ रही है। ठीक है, तो हम कंडीशन लगा देते हैं, इफ़ अगर लैपटॉप डिटेल्स के अंदर जो img1 है अगर वो एम्प्टी है तो हमारे पास दूसरी इमेज आनी चाहिए, एल्स अगर उसमें इमेज है तो फिर हमारे को इमेज आनी चाहिए। ठीक है, नहीं होगी तो डिफ़ॉल्ट इमेज आएगी, अगर होगा तो उसमें वही इमेज आएगी जो डाटाबेस में सेव है। ठीक है, और इसको एक बार पूरा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ तक, यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ। और इसके अंदर ये वाली इमेज आएगी एसेट्स के अंदर, 1.jpg वाली इमेज है हमारी, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और यहाँ पेस्ट कर देते हैं इसके अंदर। ठीक है, डबल आ गया है इसमें, डबल को कर देते हैं सिंगल। और ये हो गया, ठीक है, कंट्रोल आर करेंगे। अब ये इमेज आ रही है, ये इसलिए आ रही है क्योंकि वहाँ पे कोई भी इमेज है नहीं, तो हमें यहाँ पे भी वही सेम रखना है। तो ये इफ़ कंडीशन को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ पूरा,
इस वाली कंडीशन को कॉपी, पहले तो हमें इसके अंदर लगानी है क्योंकि आई एम जी वन दिखानी है इसके अंदर, ठीक है। पेस्ट करेंगे, ये हमारी आईडी आ गई, और जो हमने इस पर सी एस एस वगैरह लगा रखी है उसे हटा देते हैं, ठीक है। ये हमने सी एस एस को हटा दिया, ये कौन से चेक करेगा, ये आई एम जी टू चेक करेगा, और इसके बाद हमारे पास आएगी आई एम जी थ्री के लिए। पेस्ट करेंगे, वही हमें सी एस एस हटाना है इससे भी, क्योंकि हमने एक्सटर्नल सी एस एस लगा रखी है, तो इनलाइन सी एस एस को हम हटा देते हैं। और लास्ट इमेज हमारी है, यह है थ्री नंबर वाली इमेज, थ्री और लास्ट नंबर की फोर नंबर की इमेज है, ठीक है। इसमें पेस्ट कर देते हैं और इसको लिख देते हैं आई एम जी फोर, और इसे कर देते हैं स्टाइल, ठीक है। और ये हो गया सेव, कंट्रोल आर, ठीक है। एरर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमने कंडीशन सही लगाई है एकदम। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा नीचे फॉर्म दिया हुआ है वहाँ से हम इमेज को अपडेट कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले फॉर्म ओपन करना पड़ेगा, यहाँ ओपन कर देते हैं फॉर्म ओपन, यहाँ लिखेंगे हम फॉर्म ओपन मल्टी पार्ट, ठीक है। मल्टी पार्ट इसलिए लगाना चाहते हैं क्योंकि हम फाइल अपलोड करेंगे, ठीक है। मल्टी पार्ट नहीं लगाएंगे तो हमारी फाइल अपलोड नहीं होगी। और यहाँ पे कर देते हैं फॉर्म क्लोज, फॉर्म क्लोज हो गया, ठीक है। ये सबमिट का बटन है अपडेट इमेज वाला, और इसमें क्या नाम से है कॉलम, आई एम जी के नाम से नेम दिया है, और इसमें एक पोजिशन है, ठीक है। अब जैसे ही अपडेट पे क्लिक, इमेज अपडेट पे क्लिक करेंगे तो ये कहाँ जाएगा, सेलर कंट्रोलर के अंदर अपडेट लैपटॉप इमेज, ठीक है। ये तो सेम नाम से हो गया, तो इसको कर देते हैं लैपटॉप, लैपटॉप इमेज अपडेट ईडी लगा देते हैं, ठीक है। अपडेटेड स्लैश कौन सी आईडी को कर रहा है, ये लैपटॉप डिटेल जहाँ पे लैपटॉप आईडी हो, ठीक है। यहाँ आ जाएंगे अब पब्लिक फंक्शन, क्या नाम दिया है हमने इसको, लैपटॉप इमेज अपडेटेड, लैपटॉप इमेज अपडेटेड स्लैश लैपटॉप आईडी, ठीक है। और कंडीशन लगाएंगे हम हमारी पेस्ट एल्स, एल्स के अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम वो बना लेते हैं, एक लाइब्रेरी लोड कराते हैं, डॉलर दिस लोड लाइब्रेरी, लाइब्रेरी का नाम है अपलोड, ठीक है। और इससे ऊपर एक कॉन्फ़िगरेशन का वेरिएबल बनाते हैं, कॉन्फ़िग में सेट करेंगे कि अपलोड पाथ, और अपलोड पाथ के अंदर आएगा हमारे पास लैपटॉप इमेज, ठीक है। लैपटॉप इमेज के अंदर अपलोड होनी चाहिए, और अलाउड टाइप कर देते हैं, अलाउड टाइप्स, अलाउड टाइप्स जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी, जीआईएफ, ठीक है। चार टाइप की इमेज है, उसको ये एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। और इसमें पास कर देते हैं कॉन्फिग का ये वाला वेरिएबल। अब हमें क्या करना है, डॉलर देस अपलोड लाइब्रेरी के अंदर डू अपलोड फंक्शन चलाना है, डू अपलोड, और कौन सी फाइल अपलोड करेगा, ये हमारी जो इमेज आ रही है, इमेज का नाम दिया है हमने तो इमेज, ठीक है। अब हमें इसमें से क्या चीज़ चाहिए, डॉलर देस अपलोड डाटा, डाटा के अंदर से हम लेना चाहते हैं ओनली फाइल नेम, ठीक है। इसको कर देते हैं आई एम जी, और दूसरा हमारा जो वेरिएबल है वो बनेगा डॉलर दिस इनपुट पोस्ट
इसमें दे देते हैं इमेज पोजीशन, इमेज पोजीशन इसको दे देते हैं आईएमजी पोजीशन, ठीक है। और इन दोनों को एक मॉडल में पास कर देते हैं डॉलर दिस सेलर मॉडल, और मॉडल का नाम रहेगा, मॉडल का नाम रहेगा देखते हैं ऊपर, लैपटॉप इमेज अपडेट, लैपटॉप इमेज अपडेटेड, और इसमें पास हो जाएगा इमेज और इमेज की पोजीशन, पोजीशन के बाद जाएगा इसमें लैपटॉप की आईडी कि कौन सी आईडी को ये अपडेट करेगा, ठीक है, लैपटॉप आईडी। और इसको बना लेते हैं एक वेरिएबल। अब हम चलते हैं इस मॉडल के अंदर, ठीक है, कॉपी, और हम यहाँ आ जाएंगे, मॉडल हमारा है येरा सेलर मॉडल, और इसके अंदर सेलर मॉडल डॉट पीएचपी में सबसे नीचे आते हैं, अपडेट की क्यूरी लिखेंगे, ठीक है, पब्लिक फंक्शन पेस्ट, इसमें आ रही है एक इमेज, दूसरी आ रही है इमेज पोजीशन, और तीसरा आ रहा है हमारे पास लैपटॉप आईडी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, डॉलर दिस, पहले तो हमें वो वाली इमेज चाहिए जो इसके अंदर पहले से ही अपलोड है, ठीक है, तो पुरानी इमेज को हम कर देंगे डिलीट, और उसके बाद नई इमेज को करा देंगे हम अपडेट। तो हमें पुरानी इमेज चाहिए, तो डॉलर दिस डीबी गेट वेयर, ठीक है, और टेबल का नाम है लैपटॉप्स, लैपटॉप्स के अंदर लैपटॉप आईडी, इसमें पास हो जाएगी लैपटॉप आईडी, ठीक है। तो इसमें गेट रो करके नाम से बना लेते हैं, गेट रो की जगह गेट आईएमजी डाटा, ठीक है। तो कंडीशन लगाते हैं इसके अंदर गेट आईएमजी डाटा, अगर नंबर ऑफ रोज ग्रेटर देन जीरो है तो हम एक वेरिएबल बना लेंगे, एल्स के अंदर इफ में बनाते हैं वेरिएबल, तो मैं इसमें आईएमजी लिख देता हूँ, ओल्ड आईएमजी, ओल्ड आईएमजी गेट आईएमजी डाटा, इसके अंदर आएगी रो, रो के अंदर आएगी हमारी आईएमजी वन, ठीक है। और हमें क्या करना है, नहीं आई एम जी वन की जगह हम इसको लिख देते हैं रो, तो ये पूरी रो का डाटा आ जाएगा। तो जो भी हमें इमेज डिलीट करनी होगी वो हम इसके अंदर डिलीट करा देंगे, क्योंकि हमारे पास चार पोजीशन है। अब जैसे मान लो कि मैं फर्स्ट पोजीशन वाली इमेज को अपडेट करना चाहता हूँ, तो पहले फर्स्ट पोजीशन वाली इमेज डिलीट होगी, उसी के बाद फर्स्ट पोजीशन पर इमेज अपडेट होगी, ठीक है। इसलिए मैंने पूरी रो इसके अंदर पास कर दी है, और नीचे वाले में भी हम यही लिखते हैं एल्स वाले सेक्शन में, ओल्ड इमेज, ओल्ड इमेज के अंदर आएगा गेट आईएमजी डाटा, और इसमें रो आ जाएगी, ठीक है। अब हम इसमें लिखते हैं इफ कंडीशन लगा के, इफ अगर आईएमजी पोजीशन अगर इक्वल इक्वल वन है, ठीक है, तो वन की जो कंडीशन होगी वो लिखेंगे, else if अगर img पोजीशन इक्वल इक्वल टू है तो ये वाली कंडीशन होगी, else if, else if, और else if में अगली है हमारी पास img pos इक्वल इक्वल थ्री, else if आई एम जी पोजिशन इक्वल इक्वल है फोर, और एल्स के अंदर अगर इन चारों में से अलग हो सभी से तो एल्स में जाएगा, ठीक है।
अगर IMG जैसी पोजीशन वन सेलेक्ट किया हुआ है, वहाँ से वन पास हो रहा है, तो अनलिंक करेगा ये, डिलीट इमेज हो जाएगी किसके अंदर से, लैपटॉप इमेज के अंदर, और फाइल का नाम होगा ओल्ड इमेज के अंदर IMG1। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, सिर्फ वन वाली इमेज को डिलीट कर रहा है। ठीक है, तो चारों इमेज के लिए कर देते हैं। अगर टू सेलेक्ट होगा तो IMG2 डिलीट होगी, अगर थ्री सेलेक्ट होगा तो IMG3 डिलीट होगी, एल्स अगर फोर सेलेक्ट किया हुआ है तो फोर डिलीट होगी। ठीक है, ये तो हमारा हो गया वो वाला काम। एल्स में इसमें क्या होगा, इसको रिटर्न फॉल्स कर देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, एल्स में चला जाएगा ये। ये तो हमारी हो गई चारों इमेज डिलीट की, जो भी वहाँ से इंडेक्स का नंबर आएगा कि कुछ पोजीशन वाली इमेज को डिलीट करना है तो वो वाली हो जाएगी डिलीट। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर लिखना है इस पर मैं बनाता हूँ डाटा के नाम से वेरिएबल। ठीक है, और इसमें मैं पास कर देता हूँ एक क्या नाम है टेबल का, IMG1। IMG1 कॉलम का नाम दिया हुआ है, और इसके अंदर इसको हटा देते हैं। ठीक है, कौन सा वेरिएबल जाएगा जो हमारे पास इमेज आ रही है, अगर फर्स्ट पोजीशन है तो फर्स्ट इमेज में अपडेट होगा, सेकंड पोजीशन है तो किसमें होगा, IMG2। ठीक है, सेकंड नंबर वाले में इसी नंबर की पोजीशन है तो यहाँ अपडेट होना चाहिए थ्री वाले कॉलम में। अगर चौथे नंबर की पोजीशन है चार नंबर में अपडेट होना चाहिए। ठीक है, और अब हम इसमें लिखेंगे अपडेट कराने की क्यूरी, डॉलर दिस BB वेयर, जहाँ पे लैपटॉप ID इक्वल होनी चाहिए इस लैपटॉप ID वेरिएबल के, और वहाँ पे ये क्या कर देगा, वहाँ पे ये अपडेट कर देगा। ठीक है, तो TV वेयर टेबल का नाम है लैपटॉप्स, और डाटा कौन सा आ रहा है कंडीशन से, जैसे कंडीशन ट्रू होगी उसी का डाटा ये आ जाएगा अपडेट इमेज। और हम यहाँ आ जाते हैं, कंडीशन लगाएंगे अब इसके अंदर अपडेट इमेज, अपडेट इमेज अगर ट्रू है तो रिटर्न होगा ट्रू, एल्स रिटर्न होगा फॉल्स। ठीक है, ये हो गया हमारा मॉडल का काम। क्या किया हुआ है, पहले हमने इमेज को एक वेरिएबल में स्टोर किया हुआ है, और कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको डिलीट किया हुआ है, और उसी के अकॉर्डिंग अपडेट किया हुआ है। फिर हम चेक कर रहे हैं कि हमारी जो क्यूरी है जो रन हो रही है या नहीं हो रही है, अगर ट्रू होता है तो सेलर के अंदर यहाँ पे रिजल्ट में ट्रू मिलेगा, अगर ट्रू मिलता है तो फिर क्या होगा, इफ़ अगर रिजल्ट इज ट्रू तो डॉलर दिस सेशन सेट फ्लैश डाटा, फ्लैश डाटा मैसेज के नाम से जाएगा, और क्या होगा लैपटॉप इमेज अपडेट सक्सेसफुली। ठीक है, और ये रिटर्न रिडायरेक्ट करेगा, रिटर्न रिडायरेक्ट कौन से पेज को करेगा, यहाँ पे पेज का नाम है, फंक्शन का नाम है अपडेट लैपटॉप इमेज स्लैश ID, तो सेलर के अंदर अपडेट लैपटॉप लैपटॉप इमेज सेलर ID देते हैं इसको, वो सेलर ID क्या, लैपटॉप ID पास करनी होगी। ठीक है, एल्स मैम हम मैसेज देंगे एरर मैसेज अपडेट इमेज, अपडेट लैपटॉप इमेज। ठीक है, ये इसका एरर हो गया। अब हम एक काम करते हैं, इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, कंट्रोल R। ठीक है, अभी हमारे पास एक भी इमेज नहीं आ रही डाटाबेस से, इसलिए ये इस तरह से दिखा रहा है। अब मैं जैसे एक इमेज अपडेट करके देखता हूँ कि हमारे पास इमेज अपलोड हो रही है या नहीं हो रही, मैंने ये वाली इमेज सेलेक्ट कर ली। ठीक है, पोजीशन नंबर में देता हूँ एक, और अपडेट इमेज में मैं क्लिक करूँगा, एक बार क्लिक किया
तो हमारी जो फर्स्ट नंबर की इमेज थी वो अपडेट हो गई, लेकिन हमारा जो मैसेज था वो नहीं आया, क्योंकि हमने जो हमारा पेज है उसमें मैसेज नहीं दिखा रखा है, इसलिए वो मैसेज नहीं आ रहा हमारे पास। तो मैसेज के लिए हमें क्या करना होगा, कंटेनर बना हुआ है यहाँ पे, अब हम दे देते हैं इसके अंदर मैसेज सेक्शन, और इसको यहाँ से बंद कर देते हैं। एमएसजी सेक्शन के नाम से दिया है मैंने, डीआईबी इसकी जो आईडी होगी वो एमएसजी होगी, और आईडी के अंदर हम देते हैं एस सिक्स में हम देंगे अपडेट मैसेज, ठीक है, अपडेट मैसेज के नाम से आ जाएगा। तो मैसेज को दे देते हैं हम मैसेज, और बैकग्राउंड होगा इसका ग्रीन कलर का, ठीक है, कंट्रोल आर, बैकग्राउंड आ गया ग्रीन। और हमें क्या देना है, पैडिंग देते हैं इसको, थोड़ी सी पैडिंग होगी 8 पिक्सल की, ठीक है, 8 पिक्सल बहुत ज़्यादा हो गया, तो 6 पिक्सल कर देते हैं इसको। 6 पिक्सल होने के बाद एसिक्स के अंदर आएंगे, मार्जिन टॉप 5 पिक्सल, ठीक है, ये हो गया बराबर, और पैडिंग लेफ्ट करेंगे 15 पिक्सल, ठीक है। 15 पिक्सल के बाद अब जो इसका कलर आ रहा है उसको हम वाइट कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा मैसेज सेक्शन का काम। अब ये मैसेज सेक्शन जब दिखेगा, जब हमारे पास इमेज अपडेट होगी, ठीक है, तो इसको कंडीशन में डाल देंगे। एम एस जी का वेरिएबल बना देता हूँ मैं, और इसके अंदर कौन सी वेरिएबल आएगा, डॉलर दिस सेशन फ्लैश डाटा, कौन सा फ्लैश डाटा, एम एस जी वाला, जैसे ही प्रोग्राम चलेगा, फंक्शन चलेगा, कंडीशन ट्रू होगी, तो एम एस जी वाला फ्लैश डाटा सेंड हो जाएगा इस वाले पेज के ऊपर, ठीक है, और एंड इफ कर देते हैं यहाँ से। और इस एस सिक्स के अंदर एस6 में देते हैं MSG, ठीक है, जो भी मैसेज होगा वो यहाँ दिखेगा। अभी हम जैसे ये वाली इमेज अपडेट करते हैं, 1, 2, 3 नंबर की इमेज को अपडेट कराते हैं, तो मैं यहाँ आता हूँ, इसके अंदर कौन सी इमेज है, ये वाली इमेज ले लेते हैं, ठीक है, कौन सी में अपडेट होना चाहिए, 3 नंबर के अंदर अपडेट इमेज पर क्लिक करेंगे, इसमें आ गया लैपटॉप इमेज अपडेट सक्सेसफुली, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, वही इमेज अपडेट हो गई जो हमारी इसमें हुई थी, तो ये वाला तो थोड़ा सही नहीं हुआ, दोबारा चेक करते हैं मॉडल की क्यूरी पे क्या है। अभी हमने सेलेक्ट किया था 3 नंबर को, तो 3 नंबर में क्या जा रहा है, IMG जा रही है, IMG जो भी सेलेक्ट होगा वो जाएगा, लेकिन शायद कंडीशन सही नहीं लग रही इसके अंदर। 3 नंबर को दोबारा अपडेट करके देखते हैं, 3 नंबर वाली कंट्रोल आर करते हैं एक बार, कंट्रोल आर सेलेक्ट फाइल करते हैं, ये वाली फाइल ले लेता हूँ मैं, पोटेंशियल वाली, और इसको वापस से 3 नंबर में अपडेट कराते हैं, अपडेट पर क्लिक करेंगे, वही इमेज आ रही है यहाँ पे भी, एक बार 4 नंबर को करते हैं, 3 की जगह इसको दे देते हैं 4, क्लिक करेंगे, वही इमेज आ रही है। अब वो इमेज क्यों आ रही है इसको देखते हैं, IMG सेलर में आते हैं, और सेलर के अंदर डॉलर डील लाइब्रेरी लोड है, फंक्शन चल रहा है सही से, और फाइल नेम आ रहा है, और पोजीशन आ रही है, ठीक है,
सिस्टम मॉडल में दोबारा तो इसके अंदर इमेज कैसे आ रही है पुरानी वाली, तो डाटा के अंदर आईएमजी आना चाहिए, जो भी फाइल आ रही है वही आनी चाहिए, लेकिन नहीं आ रही। तो इसको एक काम करते हैं, सेलर में आते हैं, यहाँ पे हमारे जो ये फंक्शन बनाया है इसको एग्जिट करते हैं, इको कराता हूँ मैं दोनों को, आईएमजी इको ब्रेक लाइन, आईएमजी पोजीशन, ठीक है। और यहाँ कंट्रोल आर करते हैं एक बार, मैं इमेज सेलेक्ट करता हूँ 8 नंबर वाली, पोजीशन में दूंगा 2 नंबर, अपडेट इमेज पर क्लिक करते हैं, 8 नंबर की इमेज आ रही है, पोजीशन 2 आ रही है, यहाँ तक तो सही चल रहा है, यहाँ पे तो कोई भी एरर नहीं है। कंट्रोल एक्स करते हैं, यहाँ से प्रोग्राम रन हो, और यहाँ पे आने के बाद क्या हो रहा है, फिर यहाँ पे आ जाते हैं, एग्जिट इस जगह कर देते हैं, और इसमें देखते हैं एक बार लैपटॉप आईडी ये है, ठीक है। यहाँ पे हमें कौन सी लैपटॉप आईडी मिल रही है वो देख लेते हैं, आईएमजी 1, 2, 3, 4, एक बार इसको वापस से रीलोड करते हैं, 81 हो गया, ठीक है, क्योंकि वहाँ से हमें मिल रही है, लेकिन सेम इमेज ही अपलोड हो रही है, इसमें सेम इमेज क्यों आ रही है, 1 नंबर की इमेज पे आते हैं, अपडेट करेंगे, 1-1 आ गया, ठीक है। और इस एग्जिट वाले फंक्शन को हटा देते हैं एक बार, 1 नंबर पे चेंज करते हैं, 1 नंबर पे 1, और यहाँ पे भी 1 आए, तो ये तीनों जगह सेम हो गया, 1 मिनट, तीनों जगह एक साथ अपडेट हो रहा है। अब इसमें करते हैं ब्राउज, आईडी नंबर कौन सा है हमारा, 23 नंबर की आईडी है, ठीक है, 23 नंबर को देखते हैं, 23 ये वाली आईडी है, इसमें 1 आ गया, और 2 में नहीं है इमेज, 3 के अंदर है और 4 में है, ठीक है। 1 मिनट, जो हमारा इमेज शो हो रही है वो शायद सेम इमेज शो हो रही है, इसलिए एरर आ रहा है। यहाँ देखते हैं, यहाँ पे इमेज 1 शो हो रही है, यहाँ 2 शो करते हैं, यहाँ 3 करते हैं, और जहाँ पे हमारी लास्ट इमेज है यहाँ पे 4 इमेज करते हैं, कंट्रोल आर, ठीक है। अब सही है, वो क्या है, हमने जो इमेज शो करवा रखी थी वो सेम वेरिएबल पास किया हुआ था, इसलिए हमारा प्रोग्राम, हमारे को ऐसा लग रहा था कि एरर आ रही है। अभी मैं इसको 2 नंबर पे अपडेट करता हूँ, तो ये 2 नंबर वाली अपडेट हो गई। अब जो ये दोनों सेम आ रही है, इसमें से मैं 1 को हटा देता हूँ, तो 12 नंबर की मैं डालूँगा 4 नंबर पे, ठीक है। ये हमारी चारों इमेज अपडेट हो गई, तो हमारे प्रोग्राम में एरर नहीं थी, वो हमने सेम वेरिएबल कॉपी पेस्ट किए थे, इसीलिए वो दिख रहा था कि एक जगह ही सारी इमेज आ रही है, तो इसको भी हमने सही कर लिया।
तो जो हमारा प्रोग्राम है वो एकदम सही चल रहा है, और ये हमारा हो गया लैपटॉप इमेज को अपडेट कराने वाला काम। अगर इस वीडियो में आपके पास कोई एरर आ जाती है तो आप हमें कमेंट और मैसेज कर सकते हैं। अगर आप कोऑर्डिनेटर से रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम यहाँ पे वेब डेवलपमेंट और SEO पे काम करते हैं, और साथ ही हम वेब डिज़ाइनिंग पर भी काम करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो में इतना ही।